नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर कुशीनगर के हाटा के स्थानीय नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काफी दिनों से बन रहे नए भवन का शुभारंभ स्थानीय सांसद विजय कुमार दुबे के द्वारा किया गया। इस चिकित्सालय में 20 बेड की व्यवस्था के साथ साथ ओपीडी, प्रसूता वार्ड, मिनी ओडी, ओटी व अन्य सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। उक्त अवसर पर सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि हमारे सरकार में गांव से लेकर नगर तक हर जगह मेडिकल सुविधा तैयार की जा रही है। उसी के तहत हाटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज विस्तार हो रहा, बहुत जल्द डिजिटल एक्सरे की भी व्यवस्था हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज की हर तरह जांच की सुविधा बहुत जल्द हो जाएगी। दवा भी पूरी तरह से अंदर ही मिलेगा। उक्त अवसर पर स्थानीय विधायक ने कहा कि आने वाले समय में हम अपने विधानसभा के लोगों के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसी कड़ी में सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया ने नए भवन में व्यवस्थाओं के बारे में बताया कि वहीं अपने सभी स्टाफ को आग्रह किया कि प्रत्येक मरीज का सही तरीके से इलाज हो। वह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित ने कहा कि पहले की अपेक्षा मरीजों को बेहतर इलाज हो रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर बी प्रसाद, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर प्रशांत सिंह, डॉक्टर विनीता, एलटी राजकुमार चौधरी, फार्मासिस्ट सूर्य प्रताप सिंह, रामबचन सिंह, विश्राम मणि इत्यादि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता ऋषिकेश निषाद की खास रिपोर्ट। देखिए, हर विकास कार्य का अपना समय है। अभी तो हम ही लोग के सरकार में बन रहा था ना, तो हम लोग के सरकार में बना, हम ही लोग के सरकार में शुभारम्भ हो गया। और ये बहुत अच्छा एक भवन है, लैब भी बना, लैब है, गायनी का है, ओपीडी है, 20 बेड बेड भी है। ये शुभारम्भ हो रहा, अब देखिए यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड हो गया। हाँ सर, एक लैब भी देखिए सामने है, लैब देखिए वो बहुत अच्छा है। ये शुरुआत और ये सब पूर्व के सरकारों के समय में कहाँ खैराती अस्पताल का नाम दिया जाता था, दवा बाहर से लोग लाते थे, आज कम से कम दवा अस्पताल के अस्पताल में मिलता है। अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदेश कर चुके हैं, किसी को रेफर मेडिकल कॉलेज करने के पहले जवाब देना पड़ेगा, यानी कि जो यहाँ आएगा उसकी प्राथमिक और उसकी पूरी तरह उपचार होगा, मजबूरी अगर है तभी वो मेडिकल कॉलेज जाएगा। धन्यवाद। एक चीज़ एक सर, अभी अभी संसद में सवाल में उठाया था आपने चितौनी को रेलवे से जोड़ने की बात, चितौनी लेकिन वहीं वो कुशीनगर को आपने छोड़ा, इसलिए कि चितौनी तमकुही चुनाव के पहले माननीय रेल मंत्री जी रेलवे बोर्ड को निर्देश दे दिए थे कि 8 साल से बंद पड़ा प्रोजेक्ट था, 4 किलोमीटर की लाइन बिछ गई थी, चितौनी नया रेलवे स्टेशन बन गया था। तो हम लोग के मांग पर उन्होंने डिफ्रीज किया पूरे प्रोजेक्ट को फिर से, और महाप्रबंधक गोरखपुर से DPR मांगे। 5 महीना हो गया था, मैंने कहा चुनाव के बाद इसको उठा दें कि वो रन कर जाए। एक प्रोजेक्ट वो भी बड़ा, वो भी 64 किलोमीटर का है और सरदार नगर से कुशीनगर का संजोग देखिए आप उठाएं इस बात को, वो भी 64 किलोमीटर का, दोनों 64 किलोमीटर, वो अब कगार पर है, वो शुभारम्भ करा दें तो फिर इसके लिए लगेंगे, एक साथ 2 प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।